टी-शर्ट लाके दो। नींदे मेरी क्यों उड़ जाती हो, ऐसा लगता है जो ना हुआ होने को है, वरना दिल क्यों धड़कता है। विदिन अ 15 days 3-4 किलो लूज करोगी तुम इंशाल्लाह, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक शर्त यह है कि तुम्हें रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। हाँ, वो तो पसीने घर पे ओ करेंगे। माय गॉड, एचआईटी सांड वजन अपना तौल के बताओ कितना है अस्सी आज। 80? 90 होगा। केला ले ले के, नहीं, ये क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। अबे यार, तुम्हें पता चल गया लेकिन मैंने तो कोशिश की थी कि छुपा कर रखूँ ये बात, लेकिन अब पता चल ही गया है तो ये बात किसी को बताना नहीं। रानी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। यार सबसे पहले मैं बता दूँ, मैं जितने भी एड्स करता हूँ उसमें आप लोग पैसा लगाओ, अपने अपने उस पर लगाओ यार, अपने उस पर लगाओ। मेरे खुद के भाई ने हारे हुए हैं उसमें पैसे लगा लगा के, जो ट्रेडिंग होते हैं इस ट्रेडिंग में वो पूरा पैसा चला जाता है उसमें, उतना जीत जाता है। ये सब मैंने कभी नहीं किया है। मैं, मुझे पैसे मिलते हैं, मैं सही बताऊं, मैं उसके लिए करता हूं ये सब चीजें। और मुझे तो अब मन भी नहीं कर रहा कि मैं वो करूं, क्योंकि कुछ लोग दो जीतते भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पैसे बहुत सारे आ जाते हैं, वो मैं देखा हूं ठीक है, लेकिन फिर भी मैं नहीं लगाता। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग देख रहा हूं मैं जो जिनके सच में पैसे चले गए, और बहुत बुरा लग रहा है मुझे, तो इस वजह से शायद मैं नहीं करूंगा। पेठा लेकिन खाने का मन कर रहा मेरा। ये क्या पेठा भी देने जा रही हूँ? पेठा नहीं देना किसी को। भाभी पास होने के बाद भाई की बोलती बंद। भाभी पास होने के बाद कहाँ भाभी आ गए तुम लोग यार, कसम से। अरे तुमने बोला वाला अंडा खा लो। कितना अंडा है? दो दो है। खा लो। क्या चीज बता रही है प्लीज बताओ। मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी मैं ऐड करता हूँ उसमें आप लोग 1 रुपए भी लगाओ, चाहे 1 करोड़ रुपए लगाओ, अपनी शर्त पे लगाओ। अच्छा, आगरा से आगरा का पेठा लेकर आए हो जी, हमारे एक बहुत अच्छे फैन ने हमें दिया है, बहुत इज्जतों से नवाजा है, तो हमने उसको भी खाया नहीं है, मैंने रखा है, और क्योंकि अभी थोड़ी डाइट चल रही है इस वजह से नहीं खा पाया मैं, लेकिन खाऊंगा ज़रूर। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? सलमान खान, गाज़ियाबाद आओ ना कभी, गाज़ियाबाद ऐसे ही बस फेरे करते करते हम आ जाएंगे गाज़ियाबाद भी एक दिन। भाई मैं भी लॉस पर हूँ, लॉस पर हूँ। भैया अपनी शर्तों पे लगाओ, अपने दिमाग से लगाओ, 1 रुपए भी कहीं पे भी लगाओ। वाई आर योर आइज सो रेड? मैं जब भी नहा के निकलता हूँ तो मेरी आंखें लाल हो जाती हैं। खालिद भैया, आपका टिकटॉक से ही जानता हूँ, मुझे आपके साथ रील्स बनाना। बिल्कुल बनाइए, ऐड करो ऐड करो भाई जान, प्लीज़ ऐड करो। लड़की का फ़ोटो लगा दे रहे हो, हम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं और तुम ऐड कर ले रहे हो, लड़के का फ़ोटो आ जाएगा, गलत है ना? हमारे दिल के साथ क्यों खेल रहे हो? अभी देखो मम्मी टी शर्ट ला के दे दो ना, वरना ये लोग पागल हो जाएंगे हमको इतने सेक्सी देख के कभी आओ हवेली पे। हवेली पे अभी नहीं आएंगे भाई। Have you ever been to गाजियाबाद? Of course, lots of time. अरे ये गंदी है, देख रहे हो बाल कितना लगा हुआ है इसमें, बिल्लियों का। नहीं माना, जब खाली नहा लेता ना तो फिर गलत कपड़े नहीं पहनता। चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, कपड़े ये तो नहीं है मेरे पास। सिगरेट का डिब्बा दिख गया। सिगरेट, स्वागत। हटा दिया मैंने, हटा दिया, छुपा तो ऐसे रहूं मैं जैसे कि पता नहीं क्या देख गया हो। बाल बड़े करो पहले की तरह। हाँ वही मैं जस्ट अभी मम्मी से बोल रहा था, मम्मी बड़े बाल कर ले क्या, अंकल जी वाले बाल कटा लिए यार, क्या करे अब छोड़ो। अरे खालिद भाई जान, मैं लड़की ही हूँ, एक दोबारा आपसे बात की है मैंने, एक दो बार। अरे ठीक है मैं मान गया प्रिया, लेकिन तुम वो लड़की थोड़ी ना हो जैसे दिख रही। ओ गाइस यार ये देखो, हमारी फैन ने इतने प्यारे पेठा दिए। अरे मम्मी मन कर रहा खा जाए कसम से यार। क्यों नहीं दे रही उसको? क्या चीज़?
नहीं नहीं मैं दिखा दूं, रुक जाओ दिखा दो गाइस, ये पान वाला है। पान वाला है ये, मतलब ये नारियल का पेठा है। और ये आगरा में गया था, वहां पे हमारी फैन थी एक, उन्होंने दिया है यार। और भी बहुत सारे पेठा दिया है उन्होंने, वो वाला भी दिखाइए। और माना खाना नहीं बेटा, महक के रख दो। और ये नेचुरल पेठा, माना ये खराब नहीं होगा, हम लोग बाद में भी खा सकते हैं। हाँ। क्यों टेंशन ले रही हो? पान को देख के टेंशन नहीं। अरे ठीक है, मीठा ही तो है यार। इसको क्यों को लेते? 20K के बाद चले, कहाँ चले विजय? कहीं नहीं जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, आज रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ये कौन सा शायरी हुआ? दो मिक्स किया था। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। वाह, अब मुझे आना पड़ेगा आपसे मिलने कानपुर। नहीं नहीं, कोई लड़की प्लीज ये कदम ना उठाए, जो कानपुर में रहती है वही ये कदम उठाए। मैं नहीं चाहता कोई लड़की या कोई आंटी जी इतने दूर से आए हमसे मिलने के लिए। नहीं यार, फीमेल्स नहीं। हाँ लड़के आ सकते हैं। हमको भी ऐड करो, बहुत देर से हूँ। सबको ऐड करेंगे, सबको मौका मिलेगा। पहले हम बात तो कर ले आप लोग से यार, 1-to-1 करके। ब्रो आप मुझसे तो बात ही नहीं करते, सबसे बात कर रहे हैं। आप लोग को जो जो बोलना है बोल दो। व्लॉग कब आएगा भाई? अरे व्लॉग व्लॉग बनाने का कसम से मन नहीं करता। एक है आगरा वाला, वो बना के डाल देंगे आज ही या सुबह तक। मेरा नाम लो ना खालिद भाई जान, प्लीज प्रिया चौधरी बोलो ना एक बार। प्रिया चौधरी बोल दिया मैंने। रोशनी से, रोशनी तेरी वहां चांद उठा बैठा है, मैंने तुझे मांगा जब भी टूटा हुआ तारा देखा है। आय हाय हाय, मैं स्टेट बैंक से हूँ। अच्छा भाई क्या बात है, कौन से स्टेट बैंक से? मैं तो जरूर आऊंगा भाई जान, मैंने आपसे। अरे यार श्याम, गाइस ये श्याम भाई ने जो भेजा भाई, यार इन्होंने पूरे आम की पेटी भेज दी यार, इतना खतरनाक सेब भेज दिया। मतलब ऐसा मतलब एक तो चीजें जब फ्री की मिल जाती तो और अच्छा लगता है ना खाने में उसको। मतलब जितना भी कह लें चाहे जितना भी खाया हो, कुछ फ्री का बहुत सारा चीज मिल जाएगा ना, बहुत खुश हो जाता आदमी। श्याम मजाक कर रहे, लेकिन थैंक यू सो मच श्याम, तुमने इतने प्यार से भेजा भाई। और सच में दिल बहुत बड़ा है तुम्हारा, मतलब ऊपर वाला तुमको ऐसे ही ताकत दे के तुम हर सीजन के फल मुझे ऐसे ही भेजते रहो। कोलकाता आओ, हमको ऐड करो। मैं श्याम, मैं पूरी वीडियो बनाई है, मैं जब डालूंगा या 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो बनेगी यूट्यूब पे जरूर डालूंगा। बहुत गंदी लड़ाई हो रही है, तुम लोग देखना। हेलो खालिद भाई कैसे हैं? धनबाद से हैं। अच्छा अच्छा, मोनोटाइज ऑन हुआ है? किसी ने और पूछा था हमसे मोनोटाइज ऑन, सारी शॉर्ट्स क्यों डिलीट कर दी यार? पता नहीं क्यों मोनोटाइज ऑन हो गया, सारी शॉर्ट हमने डिलीट इसलिए कर दी कि यार एक कॉपीराइट आ गया, मेरा चैनल गया, तो इसलिए हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते और शॉर्ट्स डाल ही नहीं रहे। अब जब भी डालेंगे तो व्लॉग ही डालेंगे। शॉर्ट्स के लिए हमें एक अलग से अयूब एक अलग से जीमेल बनानी है यार। उधर तो क्यों, ए क्यों चाट रही? ये सब क्या, ये सब गलतियां नहीं, छोटी छोटी गलतियां, ये ध्यान भी नहीं था, नहीं करना है सब ना, नोटिस भी नहीं था। ये स्ट्रांग रखो ना दिमाग अपना, नवाब का जब कानपुर। अबे ये सब चीज खत्म थोड़ी ना हो जाएगी, समझाओ चड्ढा, ये सब खत्म हो रहा है क्या इस दुनिया से? तुम जब हमने नहीं किया वो मेरे भतालू ने चाट लिया, जब खाओगे तब खा लेना, चाट लिया लो। बस बोलिए ना प्लीज। भाई मैं कानपुर से हूँ, गुलाब जमाऊ यार। यार मैं क्या था भाई, आओ कभी गुजरात, गुजरात भी आएंगे। जिंदगी को ज्यादा टेंशन देने की जरूरत नहीं है, यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा। नंबर भेजो बड़े भाई, तब ना मिलने आएंगे। आप बहुत क्यूट और स्वीट हो, अपने फैंस के लिए टाइम निकालते हैं उनके क्यों? सौ सौ बीमार, मुझे एल्बम करना है आपके साथ। बिल्कुल भाई, शॉर्ट्स के लिए एक अलग चैनल बनाऊं, मैं तो पहले से ही तुम्हें मैसेज करता था लेकिन देखते नहीं थे। शॉर्ट्स के लिए मैं अलग चैनल बनाऊंगा एकदम, राजन यादव। शॉर्ट्स के लिए यू अलग चैनल बनाना है, समझ रहे हो? जीमेल उसकी बनाओ पहले अलग, ताकि वो मेरे पास हमेशा से महफूज रहे वो जीमेल। दिल्ली से हूँ भैया जी,
आपसे मिलते हैं, आप मुझे 3-4 साल से बार बार बोल रहे हैं प्रिया मैं आपसे मिलूंगा, रील बनाऊंगा, लेकिन कभी भी आपने मुझे मौका नहीं दिया। भाईजान बताइए कब ऐसा मौका आएगा। आइए आप पहले, मैं अक्षरा सिंह के साथ का वीडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। आज मम्मी के साथ नहीं है। और एक भाई रिक्वेस्ट है, वीडियो अपलोड करा करो तो फिल्टर मत। क्या यार, क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट थी? हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम भाईजान। सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं, कैसी हैं? बढ़िया हूँ मैं, आप कैसे हैं? आप तो सच बता रही हूँ, कितने सालों से, मतलब कितने सालों से मैं आपको, कितने बार बात हुई लेकिन एक भी बार आपने नहीं बोला कि प्रिया मैं आपके साथ एक रील बनाऊंगा। प्रिया मैं आपके साथ 2 रील बनाऊंगा। या अल्लाह, कब बनाएंगे? कितनी बड़ी फैन है, कितने अच्छे लगते हैं आप जब हंसते हैं तो। अरे अल्लाह आपको अरे बस बस नजर बस, जरूर बनाएंगे यार। ये तुम कहाँ रहती हो? लेकिन भूल गया मैं, लगे झांसी। झांसी में रहती हो तुम? झांसी तो आना नहीं हुआ है मेरा कभी। तुम्हारा कभी कानपुर आना हो तो बताना जरूर हमको, लेकिन कैसे बताओगे? कितनी बार आई हूँ, आप ये तो बोलना ही मत, कितनी बार आई हूँ सिर्फ आपके चक्कर में, सच बताओ लेकिन कभी मुलाकात नहीं हुई है। मैं बताओ, तुम एक काम करो, तुम अब जब भी आना तो पहले, आने से पहले अयूब को मैसेज करना, मेरे भाई को। तो अयूब की आईडी पे जाके मैसेज कर किस, देना, वो शायद तुम, वो जी ठीक रिप्लाई कर देगा, वो मुझे बता देगा। लेकिन तुम है, ठीक है, पक्का। आओगी यार? हमें थोड़ा अजीब, देखो लड़की इतनी दूर से आती है ना, और वो मिल ना पाओ तो कितनी थोड़ा अजीब बार आई लगता हूँ? है मेरे एक को। बार, एक बार नहीं आई हूँ, कितनी बार आई हूँ कसम खुदा की, इतनी बार आई हूँ कि बस एक एक झलक देखने को मिल जाए। जहां आप जाते हैं वीडियो बनाने वहां तक गई हूँ, लेकिन कभी मैंने सबसे पूछा, मैंने कहा वो आते हैं यहाँ पे वीडियो बनाने? कहते हैं हाँ, सुबह सुबह के टाइम आते हैं ज्यादातर, गाड़ी लेके अपनी, ज्यादातर वो सुबह के टाइम ही आते हैं, ऐसे झूठ किसने दोपहर में वो कभी बोला नहीं आते तुमसे? हैं। झूठ बोल दिया जिसने बोला? आज तक सुबह नहीं गया मैं, आज तक सुबह नहीं कह गया, रहे सुबह शाम सुबह को के जाता टाइम हूँ आते मैं। हैं, या फिर जब बारिश आ, कह रहे थे या फिर बारिश आरिश होती है तब वो आते हैं, कह मन रहे ऐसे बोला, रोज नहीं आते हैं वो। अपने मन से बोल दिया किसी ने, जबरदस्ती। मुझे तो इतना, मतलब मैं आती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि या अल्लाह मेरा आना कोई काम का नहीं। वैसे ही मैं एक छोटी सी जॉब करती हूँ पीटर इंग्लैंड में, 8,000 रुपए की, पैसे वैसे लेकर खर्च करके आऊँ, लेकिन कोई मतलब नहीं है। इतनी बड़ी यार तुम फैन होकर पीटर पागल इंग्लैंड में जॉब करती हो हो, गई कहाँ, जब मॉल में? देख। हाँ, पीटर इंग्लैंड शोरूम में करती हूँ। गजब यार, पूरा पैसा खर्च कर देती हो आके, 8,000 रुपये। पूरे महीने का, एक महीने इंतजार करना पड़ता है कि सैलरी आ रही है, अब मैं जाऊंगी खालिद भाई से मिलने जाऊंगी, एक वीडियो बनाऊंगी। फिर यार सोचती हूँ सही नहीं, कि यार मिले ही नहीं। अब तुम टेंशन ना लो, अब मेरे दिमाग में आ गया, अब तुमसे मिलना पड़ेगा हमको, क्योंकि तुम इतनी बार आ चुकी हो मिलने के लिए, और हम तुम्हें जानते भी बहुत पूछ पहले से। सोच नहीं सकते आप, ठीक है बोल बहुत देंगे, ठीक बार। है। मैं तुम्हें अय्यूब का नंबर दे दूंगा, तुम अभी मैसेज करना, ठीक और है, ठीक तुम अय्यूब को व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, जब भी आना पूछ के आना, है, ठीक है, ठीक ओके है? ओके पक्का बोल देना, भाईजान, ठीक और भी लोगों को है? टाइम दे दीजिए। ठीक है, बाय 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 बाय। बाय 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 प्रिया, मिलेंगे यार, बस थोड़ा नहीं देख पाते हैं। इंसान जब प्यार मोहब्बत के चक्करों में पड़ जाता है ना, तो ना इधर देख पाता है ना उधर देख पाता है, उसको कुछ नहीं कोई दिखता। चक्कर नहीं चलिए ना, नहीं मम्मी, अब कोई चक्कर में नहीं है, अब तो ऐसा भूत भागा है। अब तो इंसान हो गए। प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है? होए होए होए, सर आपके चैनल का क्या नाम है? कृपया हमें भी मौका दें और हम सब्सक्राइब करेंगे। खालिद पठान जाइए, खालिद पठान। और एक रिक्वेस्ट है भाई, जब वीडियो अपलोड करा करो तो फिल्टर मत यूज किया करो, क्योंकि भाई जो क्रिएटी है ना, क्रिएटी क्रिएटी है ना, वो चाहिए होती है ऑडियंस को, वही चाहिए होती है ऑडियंस को। ठीक क्या हुआ, क्या हुआ, गलत है? रखे है, कितना? मैं समझ गई। जाओ 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 खालिद भाई।
धनबाद का भी स्वागत है। बिल्कुल आदित भाई, जोधपुर डिवीजन में हूँ, ट्रेन चलाता हूँ, आपका वीडियो हमेशा देखता दिखता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं सोचता हूँ इंडिया की हर जगह जाके वीडियो बनाऊँ यार, जैसे अभी ताजमहल हो गया, दिल्ली हो गया, अब मुंबई में धूम मचेगी है ना। मैं मुंबई के हर एक एक प्लेस को पकड़ पकड़ के वहां पर चक्का जाम किया जाए, सिटी में, हर सिटी में चक्का जाम करो भाई। मेरी जीएफ गुस्सा है, क्या करे बता भाई, किस बात पे गुस्सा, जल्दी बताओ भाई। कानपुर में कहाँ रहते हो आप? कानपुर में हम नहीं बताएंगे। अरे भाई, प्रिया चौधरी की विश्व पूरी कर दो, जरूर प्रिया की विश्व पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। प्रिया हमको मैसेज करना तो मैं यूब का नंबर दूंगा। ये गंगा बैराज की वीडियो बनाते हैं, किसने बता दिया प्रिया तुमको? गंगा बैराज गाड़ी से आते हैं, सुबह आते हैं, या बरसात होती तब आते हैं, बराक चले जाते हैं। कोई बता भी दिया इनको भाई, तू सिर्फ लड़कियों से ही बात करता है। जी, ऐसा नहीं है यार, लड़कों से भी बात करते हैं। मुझे भी वीडियो कॉल करो भाई, के लिए 8,000 तो क्या 8 लाख भी खर्च करो तो कम है। श्याम यार, तुम तो यार कसम से, अस्सलाम वालेकुम। तो अर्ज है कि वो मेहंदी वाले हाथ पता करो, बड़ी खूबसूरत, वो मेहंदी वाले हाथ उठा कर रोए, आज मैं हूं किसी और की ये बात बता कर रोए, कल तक जो कहती थी कि थी कि जी नहीं है जी। भाई क्या लिख रहे हो यार, ये सब बोल रहे, कुछ याद आ रहा है? बाप रे बाप, झूठी झूठी बहुत। मैं भी कानपुर से हूँ, आप कानपुर से किस जगह से हो, ये कैसे बता दे? इतने आसान, इतना आसान, आसानी से आप पूछ लेंगे हमसे और हम बता देंगे। टाइम मुझे जुदा हो जाओगी सॉन्ग बना दो प्लीज। तुम की स्पेलिंग TYM होता है, तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, ये कौन सा गाना है भाई? भाई प्लीज ऐड करो, आज तक अपनी नहीं किया ऐड, सबको ऐड करेंगे। खालिद भाई ऐड करो फिर, देखो अब मम्मी अपना काम कर रही ना, आए सबका मैसेज पढ़ेंगे ना। मैं जाओ जाओ जाओ, पहले आप फहीमाबाद कॉलोनी में रहते थे कानपुर में, झूठ। सब सब पुप्पी रहती थी मेरी, सब फहीमाबाद कॉलोनी कोने में। सब पर ध्यान दे रहे हो भाई, मोहल्ले वालों पर ध्यान, दो दो साल हो गए हैं दुकान खोले हुए, रौनक बिरयानी, आप तो मिलते ही नहीं हो ना, कभी दुकान आते हो। रौनक बिरयानी कौन है मम्मी? सुना तो था हमने भी नाम लोकेशन पूछ क्या, तो रौनक बिरयानी है। जो यहाँ थी हाँ ये हाँ खुल के अभी आगे चली गई है, जो आते तो थे तुम्हारे दुकान पे, आज अब यहाँ पे थे, तुम आते थे भाई। हेलो, तुम जिम में मिले थे ना हमको उस दिन। हेलो खालिद भाई, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज भाई मेला मूवी का सॉन्ग दिल मेरा अकेला उस पे बना दो। खैर वो सब ठीक है, एक बहुत अच्छा डायलॉग मैं अपनी मुंह हम बोल रहे हैं, अपने मुंह से करने वाला हूँ, अपनी वॉइस से मैं करने वाला हूँ। आप तो बताना कैसा लगा, जबरदस्त। उसको बस मैं कुछ ऑफिस ढूंढ रहा हूँ, किसी के ऑफिस में उसको शूट करना। हेलो, आई विल गेट बैक यू विथ, ठीक है ठीक है। अब इतने पास आकर लौट गए भाई, प्लीज ऐड करो। मैनपुरी भी बहुत अच्छी जगह है, हर जगह जाऊंगा इंशाल्लाह इंडिया के, अब यही करना है भाई। हेलो खालिद जी, आप बहुत हंसते हो, बहुत अच्छे लगते हो, हमेशा हंसते रहिए, थैंक यू सो मच, लड़के से ज्यादा। अच्छा भाई, आप बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तभी से बोले जा रहे हैं कि है हरी राम, हरी कृष्ण, जगन्नाथम, प्रेमानंद, प्रिय का मिलना कर दिया। मैं एक शो करना वाला हूँ, क्या आप करना चाहोगे? अगर हाँ है तो फिर बात आगे करा, और मैं मॉडलिंग करता हूँ। कौन सा शो करने वाले हैं आप, कहाँ पे वो शो आने वाला है, किस तरह का शो है? खालिद भाई, आप फहीमाबाद कॉलोनी में रहते हैं, आप फहीमाबाद कॉलोनी किधर, मुझे नहीं पता भाई, मैं अभी यहाँ कैसे बताऊँ कहाँ रहता हूँ, मैं अरमापुर के पास रहता हूँ समझ लो। आप कैसे हैं, ठीक हो? मैं वीडियो बनाता हूँ, मेरे लायक नहीं क्यों, कोई बारे हैं तो बताओ यार। मैं शर्ट पहन लूँ,
इससे पहले अभी अपने ऐड नहीं किया था स्टडी लवर, सबको ऐड करेंगे सब स्टडी लवर। तुमको तो मैंने 50 बार ऐड किया था, तुम ऐड नहीं हो रही थी तो मैं क्या करूं। मैंने 50 बार तो नहीं, कम से कम 10 बार तो तुम्हें ऐड किया होगा तुम्हारे इतने बोलने पे। गर्मी ज्यादा हो गई है ना, देखो अब तुम ऐड हो गई। हेलो, दुपट्टा चाहिए। आज आज ऐड हो गई, आज ऐड हो गई। हेलो बोलो बेटा। आ गई। कैमरा साफ करो, हाय कैमरा साफ करो, आगे से कैमरा साफ करो, कैमरा साफ करो। करना कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो बेटा? बहुत अच्छी हूँ। इतनी रिक्वेस्ट की आपसे कि आप ऐड कर लें, आज आपने ऐड मैंने किया। उस दिन तुमको कम से कम 8 बार ऐड किया होगा, लेकिन तुम हो ही नहीं रही थी, हम क्या करें। अच्छा हाँ कसम से, क्यों पता ही क्यों नहीं, इतना परेशान हो गई थी, इतना परेशान हो गई थी, पता नहीं क्यों नहीं ऐड हो रहा है। इतनी कोशिश करी कि बस ऐड हो जाए, कहाँ से ऐड हो हो तो, जाए। और क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रोजी है और मीरपुर में रहते हैं, कानपुर के। मीरपुर में? मीरपुर में रहते थे हम पहले। जहाँ से आप पढ़े हैं नेहरू। अच्छा भाई इतनी मिली, इतनी खुशी मिली है, आपने ऐड कर लिया, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यार, मैं ये उस हम दिन लोग आपको नहीं जानते थे कि अच्छा मतलब आप कौन अच्छा हैं। ये हाँ, ये मेरी बड़ी सिस्टर है, इन्होंने आपके बारे में बताया कि बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। अच्छा रंजन की दुकान जानती इन्होंने हो बताया कि बहुत तुम अच्छी लोग? वीडियो बनाते हैं। मीरपुर में किस साइड रहती हो? कहाँ? मीरपुर में किस साइड रहती हो? डॉन डॉन बॉस्को स्कूल है। डॉन बॉस्को बॉस्को स्कूल स्कूल के पास। ओके ओके ओके। दीना सौदागर की जी। मस्जिद है वहां पे, हाँ मेरी वो बहन पढ़ती आगे है। डॉन आगे बॉस्को में फैसलगंज तरफ पड़ती है मेरी ना। बहन पढ़ती थी डॉन बॉस्को, अच्छा उसके बगल में एक बॉक्सर भी, मेरी फूफी का लड़का रहता है डॉन बॉस्को के पास। हम आएंगे कभी, मिलेंगे लीजिए तुम लोग से भी इंशाल्लाह, ठीक है? प्लीज बिल्कुल प्लीज। पक्का आएंगे, तुम लोग से मिलेंगे। तुम लोग इस पे ना, जब मैं, भाई बहुत बड़े फैन है आपके, प्लीज मिलो, एक अरे बार मिलो मिलेंगे प्लीज। मिलेंगे, मेरी बात सुनो। बहुत बड़े फैन ठीक है है, मैं बोल रहा हूँ, जब भी मैं जी। ये वीडियो अपलोड कर दूँ तो अपनी आईडी से स्टडी लवर से आप कोई कमेंट कर देना, ताकि मुझे आईडी याद रहेगी। मैं कभी आऊंगा तो मैसेज कर दूंगा जी तुम लोग को, ठीक है? जी चलो ठीक प्लीज प्लीज। है, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छा लगा तुम लोग से बात करके। बाय 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 बाय। हाँ क्या? बाय बाय। आप एक बार अपना मोबाइल दे नंबर दे देंगे, दो। बिल्कुल दे पता देंगे, बिल्कुल दे देंगे। है ओह शिट यार, मैंने काट दिया। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बहुत लोग और हैं, मैं आपसे जरूर आके वहां पे मिलूंगा। मैं शर्ट पहन लूं बस यार। मैं समझ सकता हूँ जो लोग दिल से प्यार करते हैं ना, जो दिल से चाहते हैं मिलना, वो उनको कितना अच्छा लगता है जब उनसे बात कर लो। तो ऐसा नहीं है यार, बहुत लोग बोलते हैं लड़कियों से ही बात करो। नहीं, अब मैं लड़कों से भी बात करूंगा। अभी ये तो शर्ट छोटी हो गई है यार, हम तो पतले हो रहे थे, शर्ट छोटी हो गई मेरी। अलग ही हो गया सीन यहाँ तो। ये मम्मी क्या देके चली गई है भाई? ओ किसको बोले, मम्मी तो चली गई। चलो छोटी हो गई तो क्या हुआ, लाइव तो आ जाए, अच्छे से बात कर ले सबसे जल्दी। भाई एक बार अक्षरा सिंह से मीटअप करवा दो, जिंदगी सेट हो जाएगी। बिल्कुल भाई, जब बोलो तब करवा देंगे। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, इतनी देर से बोल रहा हूँ, पाकिस्तान वाली का हुआ? भाई कसम से नहीं सुन रहे थे तुम्हारी बात हम। मैं भाई वो खत्म हो गया, वो किस्सा, वो सीन सब खत्म हो गया। अय्यूब भाई भी YouTube चैनल स्टार्ट क्यों नहीं करते? अय्यूब भाई पागल है, इनको कितनी बार, 100 बार बोल चुके, करते नहीं है। हम क्या करें, उनके अंदर से आएगा जब तब करेंगे। तो अर्ज है कि तेरी वफा के खातिर जलील किया तेरे शहर वालों ने, अगर तेरी फिक्र ना होती तो सारा शहर जला दिया होता है और जेल में बैठ जाता जाके है। आई मे बी अवेयर कैन बिहेवियर, क्या लिखे, अचीव वीडियो एंथे, क्या
क्या लिख दिया शीला जी आपने, ये बनारस है। हाँ तो अब और लोगों से भी बात की जाए, ठीक है। मे बी आर पेड एंड क्रेडिट MP वी बॉट अ स्केड्यूल वेन इट ही हा शील्ड एनोम्ड। क्या लिख रही हुई है बैथ एट क्लेवनेट पे भाई, ये वाली इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझ में आ रही। अभी आप अच्छे लग रहे हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपकी वीडियो बहुत अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, कैसे हैं आप और आपकी अम्मी कैसी हैं? मम्मी बहुत जबरदस्त हैं और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अरे हम लोग को भी ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर भी बनाते हैं। अक्षरा सिंह वाले रील्स देखकर आए हो भाई? अच्छा अक्षरा सिंह वाले रील्स कौन कौन देख के आया है वो जल्दी जल्दी बोलो। यस मैं तो आपको टिकटॉक पर ही जानते हैं। सबसे बात कर रहे, रुक जाओ, जितने मैसेज आ गए यार सबके। ठीक है मैं घर के पास रहती हूँ यार, मैं ना अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ इसमें, कसम से बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा हूँ। शेट इतनी गर्मी लग रही है, कैसे ही मेरे नाप को किसने भेज दिया था यार। चलो ठीक है जो भी है सही है। ऐसा लगता है जो ना हुआ, मोटा हाथी। यार ऐसे ना बोला करो अपने पापा के बारे में, मेरा मैसेज नहीं दिखा यार आपको। आपका एक वीडियो बहुत प्यारा लगा मुझे। कौन सा प्यारा लगा आपको बता दें आज। अच्छा ऐड कर ले और लोगों को, मराठी में डायलॉग बनाओ एक रील का, आप भेज दो मुझे, मैं बना लूंगा। अब मैं ऐड करने जा रहा हूँ सबको, सबको ऐड करूंगा इंशाल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ के भाई मेरी तरफ भी ध्यान दे दो। बिल्कुल यार आपसे बात करनी है, बिल्कुल। हेलो, हीना, हाय हीना जी, सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? हाय जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मेरा नाम हीना है, मैं ईरम की सिस्टर हूँ। ईरम कौन? इधर लाइट नहीं आ रही ईरम है, कौन? जी जी बोलिए। ऐड है दिल्ली मैं पहचान नहीं पाया आप किस एरिया की बात कर रही। में। दिल्ली में मेरा बेटा है 4 साल का, वो आपका बहुत अरे बड़ा फैन है। थैंक यू सो मच। उसका नाम क्या है? मेरे बेटे का मोइज। मोइज, ईरम ने बताया है शायद आपको। आज दिल्ली से आ जाओ, इरम नहीं पहचान पाया। इमशा खान के नाम इमशा से। खान। अच्छा, ये लीजिए। हाय हाय पहचाना? हाय वीडियो दीदी। वाले अंकल, वीडियो वाले हाय, अंकल, वीडियो वाले अंकल। ये जानता कहता खालिद पठान का वीडियो है क्या ये। बात है, ये अभी जानते इसका हो उनको? एडमिशन कराया है, 4 साल का हुआ है। हाँ कहते माशाल्लाह जानते माशाल्लाह, हैं, जानते हो उनको? ये दिल्ली गया था घूमने। दिल्ली अच्छा घूमने गया था, कहने जामा मस्जिद में भाई नहीं मिले, घूमने अरे वाह। गया था। अच्छा जिस दिन तुम गए थे उसके बाद हम गए थे, उस समय नहीं थे। चले ठीक आप है, हमें भी, आप हमने आपको फॉलो किया, आप हमें फॉलो बैक कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बहुत लोगों को फॉलो बैक करूंगा तो क्योंकि फिर दिक्कत हो क्योंकि हम जाएगी। भी हाँ, क्योंकि हम भी म्यूजिशियन आर्टिस्ट हैं, हमारा छोटा माशाल्लाह मोटा सा स्टूडियो है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत जी अच्छी बात। आपको बेटा बहुत प्यारा है जी माशाल्लाह, सच में बहुत प्यारा। बेटा, ये एक बार और आपसे वीडियो कॉलिंग में बात कर चुका है। हाँ, अच्छा क्या बात है, तुझे कोई कब किया देखो था? कब याद है किया था, इसको? कब किया था बेटा? मैं दिल्ली कह हूँ। रहा है आपने मुझे फोन किया था जब मैं दिल्ली में था, बता रहा है। अच्छा इमशा अच्छा तो के मैं फिर फोन करूंगा जब मैं दिल्ली में नाम आऊंगा। से है दी, मेरी मेरी जी 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 बोलिए बोलिए मेरी बोलिए। छोटी वाली सिस्टर से आपकी चैटिंग से बात होती है। आप जाएंगे तो मैं आ बिल्कुल जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है ठीक है ठीक है हीना जी, ठीक है थैंक यू सो मच। जी, हमें फॉलो बैक कर लीजिए आप। अच्छा ठीक ओके है चले भाई, ठीक अल्लाह है, हाफिज। बाय। फॉलो यार हीना जी मैं क्या बताऊं, फॉलो अगर मैं करा तो बहुत सारे लोग हैं जो उनको भी करना पड़ेगा, तो फॉलो क्या बोलूं मैं। खालिद भाई बहुत बड़े बड़े फैन हैं हम आपके,
बट प्लीज बताओ मुझे एक पाकिस्तान वाले मैटर का क्या हुआ भैया? क्यों पूछ रहे? भाई खत्म हो गया, उनकी शादी कहीं और होगी, मेरी शादी कहीं और होगी, कोशिश कर रहे थे, वीजा नहीं मिला, चीजें नहीं वर्क करी और झगड़े हो गए, बहुत बड़े बड़े झगड़े हो गए, उस बड़े बड़े से भी बड़े बड़े झगड़े हो गए, तो इस वजह से ऐसा लगा कि कभी कभी दो अच्छे इंसान मिलकर एक अच्छा घर नहीं बना सकते, तो वो चीज सुनते थे पहले, अब समझ में आई है शायद हम लोगों को, तो बड़ा म्यूचुअली अंडरस्टैंड हो कि अपनी अपनी जिंदगी में खुश हैं सब लोग यार, रिश्ते कहाँ नहीं बनते, रिश्ते कहाँ नहीं टूटते, तो हमारे साथ ऐसा हो गया तो कौन सा बड़ा बड़ी बात हो गई यार, और वैसे भी जो नसीब में होगा वही तो आएगा ना, चाहे उनके नसीब में हो चाहे मेरे नसीब में हो, हम लोग तो इंसान बस कोशिश कर सकता है, तो इसलिए वो चीज खत्म हो गई। लड़कों में क्या कांटा लगा है? लड़कों में क्या कांटा लगा? भाई नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, वो सबसे ऊपर उनका था। अब देखो मैं किसी लड़के को ही ऐड करने जा रहा हूँ, किस लड़के को ऐड करूँ, किस लड़के को ऐड करूँ, अच्छा किसको ऐड होना है वो मैसेज करे, मैं उसको ऐड करूंगा डेस्परेटली। किसको ऐड करो, किसको ऐड करो, करो भाई मैसेज। भाई आपका टिकटॉक से सबसे बड़ा फैन। निशांत क्या हेलो हाल है? निशांत कैसे हो भाई, सबसे बड़ा फैन, सबसे भाई? बड़ा दुनिया में, सबसे बड़ा, क्या मुझसे बात है, बड़ा क्या कोई नहीं, बात मुझसे है, बड़ा कोई नहीं भाई, मुझसे बड़ा कोई नहीं, सबसे बड़ा अरे अरे फैन दुनिया में, सबसे बड़ा फैन अरे आपका। भाई थैंक यू सो मच निशांत, हेलो भाई, थैंक यू सो मच, सबसे बड़ा फैन, सबसे बड़ा, थैंक यू। अगर आपके कोई फैन की बात आएगी तो मैं सबसे बड़ा निकलूंगा, सबसे बड़ा, सही 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 सही, बिल्कुल सब सही, मेरे बाद ठीक होंगे है, थैंक यू सो मच निशांत, थैंक यू सो मच। भाई, आपसे बहुत प्यार करते हैं भाई, आपकी वीडियो आ रही है, आपके सॉन्ग आ रहे हैं, बस मजा आ गया, आपको एक बार पढ़ते हुए देखना चाह रहे हैं हम। बस बस बहुत जल्दी, पहले अभी टीवी पे देखोगे, वेब सीरीज में, और फिर पर्दे पे भी देखोगे। चलो भाई हमारी दुआ आपके साथ है, बिल्कुल निशांत, ऐसे ही प्यार करते रहो भाई, और सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा फैन, सबसे बड़ा दुनिया में, सबसे बड़ा फैन मेरे बाद है सब, मैं नंबर वन पे हूं। थैंक यू सो मच निशांत, मुझे पता है तुम सबसे बड़े ठीक है, फैन हो, थैंक यू सो सबसे बड़ा, मच। सबसे बड़ा, ठीक है भाई, और ठीक है, बच्चे कैसे हैं तुम्हारे? ठीक है सब? बहुत बढ़िया, सब बढ़िया भाई, चलो आपसे बात करके दिल खुश हो जाता है, दिल खुश हो गया आज तो, समझ लो पता नहीं क्या मिल गया। थैंक यू यार, आपने मुझे थैंक ऐड करा भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत, मैं आपसे क्या कहूं भाई, बस सबसे बड़ा, सबसे बड़ा दुनिया में नंबर वन, थैंक यू खालिद सो मच पठान का जो सबसे बड़ा फैन है ना, वो बिजनौर उत्तर प्रदेश में है। निशांत है, हाँ निशांत निशांत भाई, है, मैं कहता हूं कि आपका नाम मतलब शाहरुख खान की टक्कर पर है, बिल्कुल क्या बात है यार निशान, भाई थैंक साहब, यू सो शाहरुख मच। खान की टक्कर में है आप मेरी बात को लिख लेना, इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ ना, उन शब्दों को याद करना आप, जो कुछ नहीं करते वो एक दिन कमाल करते हैं, वो कमाल करेगा हमारा खालिद पठान भाई, क्या बात है यार, क्या बात है, हमारी दुआएं आपके साथ है भाई, आप वो थैंक यू कमाल करोगे जो दुनिया में कोई एक्टर नहीं कर पाया, सब ये कहेंगे कि हाँ कानपुर का कोई ये लड़का था जिसने कमाल करा, थैंक यू सो मच भाई, थैंक जिसका यू। एक छोटा सा, इतना सा बड़ा, इतना छोटा सा एक फैन है जो चीनी के दाने के अरे नहीं नहीं बराबर। नहीं 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 बहुत बड़ा फैन है निशांत, तुम बहुत टाइम से तुम्हें भी जान रहे हम, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा भाई, सबसे बड़ा, मेरी दुआएं आपके साथ हैं भाई, मैं कहता हूं पूरे मुल्क की दुआएं आपके साथ हैं, थैंक यू सो मच निशांत, थैंक यू सो मच भाई। आप जब कुछ बनोगे मैं आपको हाथ हिलाऊंगा, बस एक बार मुझे देख लेना, हाथ अरे हिला देना, यार बिल्कुल बिल्कुल, अरे मैं तुम आपसे साथ इसलिए नहीं मिल दिलाऊंगा, रहा हूँ क्योंकि मिलने के बाद में उस चीज को पा लो ना तो उसका मतलब मजा खराब हो जाता है, मैं मजा इसलिए खराब हो आपसे मिल नहीं जाता पा रहा हूँ, नहीं नहीं मैं आपसे जब भी मिलूंगा, जब आप मतलब बन जाओगे, मतलब पर्दे पे जब पिक्चर लग जाएगी ना, पूरा थिएटर खरीद लूंगा, पूरा थिएटर, निशान थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच यार, चल भाई फिर ठीक है भाई, बात करते हैं, ठीक है, थैंक यू सो ओके मच, बाय। ओके।
यार निशांत की सबसे बड़ा फैन बोलते हैं, और विजय अय्यूब भाई ये भाई डार्लिंग है आप तो। नहीं, सही है सही है। विजय नहीं है, बात तो है, आप वीडियो अच्छा बनाते हो। थैंक यू सो मच भाई। ये अय्यूब कहाँ से शर्ट लाए थे यार? ये आया था क्या कहीं से मेरे लिए? कौन दिया था यार ये इतना छोटा शर्ट है इसकी? मैं गाइस आ रहे यार, हाँ देखो चल जाए। नेपाल से आया था। ओए आए हाय, ओए ओए बजो बजी बजो बजी। अर्चना निशांत यार थैंक यू सो मच भाई, ऐड करो यार मैं कश्मीर से हूँ। अयुब फरदीन आ रहा है यार 2 दिन बाद, कौन? छोटा फरदीन भाई। अच्छा आप SRK के फैन हो क्या? बिल्कुल शेरनी डॉक्टर, सलाम वालेकुम, वीडियो बहुत अच्छी लगती। थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट किसको ऐड करूँ, किसको ऐड करूँ मैं, किसको ऐड करूँ मैं? मेरा नाम ले लीजिए प्लीज, जारा। हाय जारा, छोटे लोग को ऐड नहीं करते क्यों? मेरा भाई कानपुर के भाई को सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। मैंने शर्ट इसलिए उतार दी क्योंकि यार कसम से मुझे बहुत ना हाथ के पास कस रहा था भाई। मुझे फॉलो करो, मैं हैदराबाद से हूँ। ऐड भाई क्रिएशन, आओ भाई आओ। विजय आजकल वो तुम्हारी माँ कहाँ है? डॉक्टर साहब बिल्डिंग में मेरी माँ ने इफ्तिताही मैं विशाल, मैं विश इफ्तिताही इस बिल्डिंग में मेरी माँ मजदूरी की। आजकल वो तुम्हारी माँ कहाँ है? हेलो, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम असलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। 90s के वीडियोस आपके बहुत अच्छे होते हैं। हाँ बस कब से बना रहे हैं आप आईडी पे ये सब? ये अभी मेरे को मतलब 1 ईयर होने वाले हैं। 1 ईयर अभी हुए नहीं है, अगस्त में। हाँ अगस्त में 1 ईयर हो जाएंगे। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो यार, मतलब जो डालते हो क्रिएट करके, ऑसम। तो मैंने हम फॉलो लोग किया बस है कि क्रिएटर हैं, बस क्रिएटिंग कर सकते हैं। बस फेस टू फेस हम लोग बनाते नहीं है, और फेस टू फेस आप लोग बनाते हैं। आप लोग की वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। थैंक यू सो मच भाई, क्योंकि यार गाने अच्छे होते हैं ना, इसलिए वो चीज अच्छी लगती है। 90s के सॉन्ग इतने पसंद हैं शुरू से। मुझे शौक था इंस्टाग्राम पे, जब मैं आया फर्स्ट टाइम तो मुझे 90s सॉन्ग, इंस्टाग्राम नहीं पहले से, बचपन से ही मुझे बहुत शौक था सुनने का। सुनता भी था और मूवी भी देखने 90s के सबसे पसंद थे। तो जब मैं इंस्टाग्राम पे आया तो मैं सोचा क्रिएटर पेज एक बना के देखूं। तो क्रिएटर पेज बनाया, कोशिश किया, एडिटिंग के लिए काफी टाइम लगे, 2-3 मंथ लगे सीखने में। बाद में फिर धीरे 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 सीख गया। तो और पूरा आपकी वीडियो तो डाटा, हाँ मेरी वीडियो तो आपकी वीडियो तो माशाल्लाह हर 2 घंटे में आती है। वो अरे देखता हूँ मैं, खाली तो इतना वीडियो बना के फ्री टाइम में अपलोड कैसे कर लेते। भाई क्या बताएं, और सब खाना खाते समय। हम तो एक वीडियो पर डे अपलोड करते हैं, हमें उतनी टाइम नहीं मिलता। कर लेते भाई, तो टिकटॉक हाँ पे डांस देखता हूँ। सिखाती और उनको। आपकी वीडियो तो अक्षरा सिंह वाली जो है, बाप रे, वो तो हद ही फेमस हो रही है। हाँ वो तो वो बहुत लोगों ने देख ली ना। बहुत बहुत लोगों ने देखी। मतलब जब मैं रील ओपन किया, जब मैं देखने लग गया आपका रील, तो एकदम से मेरे सामने आया। तो मैंने आईडी ओपन करा, मैंने बोला फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कोई है अपने बंदे और अक्षरा जिनके साथ। तो मुझे लगा ऐसा कोई फेक रील तो नहीं है। फिर मैंने आईडी ओपन किया तो एक दो रील और स्क्रोल किया तो एक दो वीडियो और मुझे मिल गई। तो मैंने बोला क्या आवाज है। फिर देखा कि मुझे आपने फॉलो कर रखा है, तो मैंने आपको फॉलो बैक दिया। मैंने बोला भाई को पहले फॉलो बैक दे लो। थैंक यू सो मच भाई। क्या नाम है तुम्हारा? वेलकम भाई, मेरा नाम बदरुल अहमद होगा। बदरुल अहमद कहाँ से थे भाई आप? बदरुल भाई मैं भाई प्रॉपर झारखंड से हूँ मैं। झारखंड से? हाँ महाराष्ट्र में था, महाराष्ट्र से 10-11 साल रहा वहाँ। फिर अभी मैं फिलहाल MP में हूँ।
ठीक है बदुल भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक जी, शुक्रिया यू भाई, सो मच। शुक्रिया फिर जी, बात शुक्रिया करते भाई, हैं इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच बदुल भाई। तो ये थे मेरे, इनको मैंने फॉलो किया हुआ। गाइस आप लोग भी फॉलो कर लो, बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं ये, और 90s के जो अच्छे अच्छे सॉन्ग्स हैं वो ये डालते रहते हैं अपने पेज पे। अभी नेक्स्ट मैं किसको ऐड करूं, झारखंड से बदुल भाई, मैं झारखंड अभी गया था, टाटा में गया था। झारखंड में ही है ना? नहीं, टाटा यूपी में, जमशेदपुर, झारखंड किधर? देखो देखो जानम, हम दिल अपना तेरे लिए लाए। किस किस को ऐड होना है जल्दी जल्दी मैसेज करो मुझे। अरे सोचो सोचो दुनिया में क्यों आए, तेरे लिए आए। अब तू हमें चाहे, अब तू हमें पूछे, हम तो तेरे साथ। भैया पहले आप मुझे फॉलो बैक करो। अच्छा फिर क्या करें उसके बाद, क्या करना है ये बता दो। पहले तो हम तुम्हें फॉलो बैक करें, उसके बाद फिर करेंगे क्या? सरकार जी को ऐड करो मुझे। नेहा मिश्रा, आइए नेहा जी। जब से मैसेज कर रहा हूँ ऐड ही नहीं कर रहे। सलाम वालेकुम भाई, एक एक लोग को ऐड करेंगे ना, मुझे भी ऐड करो भाईजान, आपका फ्रेंड हूँ। अक्षरा सिंह कैसा होता है वीडियो बनाने के, बताना। हेलो हेलो हेलो, हेलो, कैसे हैं वन आप? सेकेंड। बताओ हेलो, अच्छी कैसी हैं आप? हो? आप कैसे हो? अच्छे हैं। कहाँ से हो आप? मैं प्रतापगढ़ से। अरे ये सीधा क्यों नहीं हो रहा? हेलो, जी जी हाय। अब हाय भी है? यार, मैंने मैंने अपने बाल में ऑयल लगाया हुआ है, सॉरी। कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे कर लीजिए, कैसे ऐसे कैसे ऐसे दिखा? ऑयल नहीं लगाओ। दिख रहे हो आप, दिख ही मैं नहीं नहीं रहे दिख हो। रहा? ओ, बहुत सारी लड़कियों को मैं नहीं दिखता, पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है यार। नहीं आप मुझे दिखते हो हमेशा, अभी नहीं दिख रहे नेहा हो। जी आपको कुछ कुछ बोलना है तो जल्दी से बोल दीजिए। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत। क्या बात है यार नेहा, थैंक यू सो मच नेहा। लेकिन हाँ थैंक यू सो मच हाँ, मैं सोची थी थोड़ी अच्छी बन के आऊंगी आपके सामने, नेहा, तुम लेकिन बहुत लड़के अच्छी साथ हो, खराब है नेहा स्टोरी। सच में बहुत खूबसूरत हो। ये तुम्हारे हस्ती हो ना, जो तुम्हारे गाल पे ना ये ऐसे गड्ढे पड़ जाते हैं और फूल जाता है दोनों गाल तुम्हारा, इतना प्यारा लगता है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। तारीफ की होगी ना लोगों थैंक यू। नहीं ने? नहीं, किसी ने अरे नहीं तुम्हारे की, जो गाल है ना नहीं। ये तो सबसे अच्छा लगता है, तुम खुद देखो कितना प्यारा लगता है अच्छा, सच में सच में। थैंक यू सो मच। और सबसे अच्छी चीज तुम्हारी क्या है, तुम्हारे जो दांत है ना वो एकदम बराबर बराबर है, जैसे मेरे है ना, ये देखो तुमको तो मैं दिख ही नहीं रहा, अरे दांत दांत एकदम बराबर है। हाँ, नहीं दिख रहे कोई हो? बात नहीं, कोई बात नहीं है नेहा, हाँ जाने, नेहा कोई बात नहीं, वो मैं दिखूंगा भी नहीं, पता नहीं क्या दिक्कत चल रही है इंस्टा में मेरे, लेकिन चलो बात हो गई कि नहीं हुआ मैं, फिर नेक्स्ट टाइम ऐड करेंगे। ओ शिट, सॉरी 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 सॉरी, चली गई यार। वेल थैंक यू सो मच यार, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा गाइस, और आज इतनी तारीफ तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा होता है और तारीफ कर देनी चाहिए यार। जान लेकर रहोगे क्या आप? जान लेकर रहोगे? नहीं, जान नहीं लेंगे। और बताइए, आएगी हर पल तुझे मेरी याद, हाँ इस मुलाकात के बाद। मेरा भाई खालिद पठान, खाली पठान, मेरा भाई खाली पठान, जानी बा, क्या लिखी, जान बस के, जान बस के यार,
समझे नहीं त्या चांदनी क्या बोली तू? आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिया भाई। आप गंगा बराज कब आओगे? मैं गंगा बराज परसों या कल आऊंगा। ऐड करोगे खालिद भाई? कानपुर वाले नफरत नहीं क्या? कानपुर वालों से नफरत है क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसी बात तो बिल्कुल नहीं। अबे यार ऐड करने के लिए वो खुल ही नहीं रहा। हम क्या बताएं, खुल ही नहीं रहा है वो रिक्वेस्ट। 1 घंटा बफरिंग हो रही है, बम 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 बम। फिर वही, हाय पूजा कैसी हैं आप? अबे यार कितना मैसेज कर रहा हूँ आज के लिए। भाई लुकिंग गुड, थैंक यू सो मच। आवाज तो कुमार सानू की जैसी है। अरे घर आकर मिलना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भाई घर आकर मिलिए। आप रिप्लाई क्यों नहीं देते? बाथरूम में हो क्या भाई? हाँ भाई ऐड करो भाई जान, आपका फ्रेंड सूरत से मैं हूँ, आप मुझे ऐड करो। अच्छा अच्छा हेलो भैया, हाय हाउ आर यू? आई एम फ्रॉम कानपुर। हेलो 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 नीलम, कैसी हैं आप? भाई आने से पहले मैसेज कर देना। कहाँ पे, मतलब कहाँ पे? बनारस वाले को ऐड करेगा तो कैद कर लेगा। वेंचेन वेंचेन वेंचेन, हाय वेंचेन 93, हाउ आर यू? भाई एड्रेस बताइए, मिलना है आपसे। नहीं बताऊंगा, अभी नहीं आ सकता भाई, कुवैत में है, अक्टूबर में आऊंगा। ओके शिवानी को वोट के लिए बोल दो। गाइस शिवानी को ढेर सारा वोट करिए और शिवानी को फुल सपोर्ट करिए, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। खाना हो गया आपका जी? खालिद भाई मैं दुबई से देख रहा हूँ, मुझे भी ऐड करो। दुबई यार बोलूँ मैं भाई, न्यू सुबह हॉस्पिटल, न्यू शुभ हॉस्पिटल आए थे, याद है? न्यू शुभ हॉस्पिटल, खाली न्यू शुभ हॉस्पिटल का आयु? जहाँ मेरे को दिसंबर में एडमिट नहीं हुआ था। अच्छा न्यू शुभ हॉस्पिटल, पड़ोसी सर, पड़ोसी तहरीम, कौन पड़ोसी में सब पहचाने? वीडियो बहुत अच्छी बनाते हो, थैंक यू। हेलो खालिद, असलाम। एक मौसम में एमपी में घूमने आ जाइए। एक बार मुझे वहां घूमने जाना है, उड़ीसा, उड़ीसा समझ रहा हूँ। जो भी आपसे ऐड हुई थी ना हीना, वो मेरी सिस थी। तो मतलब वो बोली मेरी आपसे बात होती, मेरी आपसे बात हुई क्या किरम जी? मेरी आपसे बात कब हुई है, मतलब समझ नहीं पाया मैं। मुझे फिर से ऐड करो ना नेहा मिश्रा। नेहा मिश्रा 20 के बाद चलिए चलिए क्या? 20 के बाद तब चलेंगे जब? नहीं यार विजय, विजय भाई अक्षरा सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, मिलवा दो भाई प्लीज। भाई 1 लाख रुपए तो तब मिलवाऊंगा। अक्षरा सिंह के साथ वीडियो कब बनाओगे? नेक्स्ट टाइम जब भी मिलूंगा। मुझे अभी जान खराब है, बिजली चमक रही है। पाकिस्तान वाली लड़कियां ने क्यों छोड़ दिया तुम्हें? पाकिस्तान वाली लड़की ने क्यों छोड़ दिया मुझे? यार मेरे अंदर कोई कमी होगी इसलिए छोड़ दिया। भाई जिम क्यों नहीं आते अब भाई? क्योंकि हम कहीं और जाते हैं अब। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, मैं एक रील बना चाहता हूँ। बनाओ भाई, मेरा भांजा अभी आपसे बात किया था। अच्छा भांजे ने बात किया था, ओके 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 ओके। चलो यार अब प्लान कर लिया, मसूरी मसूरी यार मसूरी देखते हैं। मेरा भांजा आपको मामू मामू करता रहता है, बहुत अच्छी बात है, मामू हूं मैं उनका। सलाम, फॉलो मी, एड मी, एड मी सर। यार मैं आपके साथ रील बनाना चाहता हूँ भाई। मैं 2 लाख देता हूँ, मुझे मिलवा दो। अरे दादा रे, हमारे इधर पवन सिंह को धोखा दिया भाई। एक बार
बात बताओ, 2 लाख दे कौन रहा था पहले? ये तो आरिफ, आरिफ क्यों झूठ बोल रहे यार, 2 लाख कौन दे देगा? चांदनी एक मैसेज करी रखा देख, यार क्यों मूड खराब है? पागल हो गई क्या तुम? मूड ना खराब हो, मूड अच्छा करते ना, स्टोरी लगाई हुई है हमने इसी में, देखो व्हाट्सएप पे भी लगाई है, इस पे भी लगाई है। हाँ मूड अच्छा कर लो, जिंदगी में चीजें चलती रहती हैं यार, अब क्या बताया जाए। भैया कौन सी हद है यार, यार मतलब कहने का यह है कि इंसान मर जाए तो 2 मिनट में 4 घंटे में बॉडी सड़ने लगती है, सब गाड़ देख के आ जाएंगे। जब तक जिंदा है तब तक ठीक है, दुख है लेकिन सांसों को एंजॉय किया जाए, है ना? यू कहानी तो साले खत्म हो ही जानी है, अभी मरेंगे मुझे कोई 6 घंटा भी नहीं रखेगा बिना बर्फ के। थोड़ी डीप है लेकिन सच बता रहा हूँ भाई, आपके सारे गाने मैंने कई कई बार सुने। मैं एक और गाना डालूंगा भाई, कमा के दे देंगे, कमा के दे देंगे, जब कमाना तब देना भाई। आई एम गुड एंड यू वेंशन, हाउ आर यू डूइंग टुडे? आई एम गुड, यू मिस मी? आई थिंक यू मिस मी अ लॉट। इसको मैं छेड़ता रहता, मेरी एक फैन है, हम बोल रहे थे कि तुम इतनी बड़ी फैन हो तो हम शादी तुमसे ही करेंगे, टेंशन ना लो। ये वेंशन बोलते, नो आई एम नॉट लाइक दैट, आई एम नॉट लाइक, छेड़ता रहता हूँ मैं इसको। आप हमें ऐड कर लो भाई यार। अस्सलाम वालेकुम, वाह वालेकुम सलाम डेरिंग साहिल। हाय डेरिंग साहिल, क्या हाल है, कैसे हो? मैं कमा रहा हूँ, क्या कमा रहे हो? आई हो दादले भूखा तुझा, पहले जैसे नहीं है प्लीज, मेरे मैसेज भी पढ़ लो गाइस। अब बहुत हो गया, मेरी गर्दन दुख रही है, ये मैं एक बार खोल के देखता हूँ खुलता है कि नहीं, रिक्वेस्ट वाला, ये रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वाला अगर खुल जाएगा तो ठीक है, नहीं खुलता है तो मैं पतली गली से निकलता हूँ फिर। अब हो गया, नेक्स्ट टाइम आके बात करते हैं आप लोग, बिना बताए देखो हम आ गए थे आप लोग से बात करने के लिए, ठीक है? जिम से आए, हमने सोचा है कि चलो बात करते हैं थोड़ी बहुत, है ब्लॉग भी बहुत दिन से नहीं डाल रहे तो उठा के यार यही डाल देंगे। और जितने लोग भी देख रहे हो सब लोग, ये जो ब्लॉग, ये ब्लॉग बोल रहा है, ये अभी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ना इस पे इंस्टाग्राम पे, तो सब लोग मैसेज करना मुझे ताकि मैं, मेरे ध्यान में आप लोग की आईडी रहे, ठीक है? आप लोग जितने लोग भी ज्वाइन हो, यार नहीं खुल रहा है ये रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वाला, नहीं खुल रहा है। जकीरन अंसारी, जाकिर अंसारी, सॉरी जाकिर भाई, नहीं खुल रहा। दीप राजभर, मुझे ऐड नहीं किया, मुझे ऐड नहीं करोगे? मेरा भी नाम लो खुशी, हाय खुशी, सबको ऐड करेंगे। मेरा नाम सिमरन साबिर, हाय सिमरन साबिर, वालेकुम सलाम ऐश एलिश, आई सी यू सून इंशाल्लाह। खालिद भाई सलाम वालेकुम, हम आपके बहुत 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 बड़े फैन हैं सच्ची में, कसम खुदा की, यकीन करिए आप, यकीन कैसे करें? थैंक यू सो मच, आप इतनी बड़ी फैन है हमारी, हमें यकीन है इस बात का। ठीक है देखता हूँ खा कल। हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, भाई हम आपको, आपके हम इतने बड़े फैन है, इतने बड़े फैन है, सच में आपको मैंने वहां देखा गंगा ब्राइज में, अच्छा भाई कसम अल्लाह के, आपसे सिर्फ मिलना चाहते, सिर्फ एक सेल्फी लेना चाहते और कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आऊंगा, परसों आऊंगा, 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में। भाई मैंने आपको सीमानगी के साथ भी देखा है, अच्छा भाई कसम अल्लाह की बहुत, हम आपकी कास्ट के हैं पहली बात तो, और कसम खुदा की हम झूठ नहीं बोल रहे, और दरगाह के सामने खड़े देख लीजिए आप, हाँ ठीक भाई कसम से आपके बहुत बहुत बड़े फैन है, बहुत बड़े फैन है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है अमन, अमन। एम एम, थैंक यू सो मच, पक्का मिलेंगे पक्का।
फोटो भाई, भी हम जब भी पूछना नमाज पढ़ते हैं आपके लिए, भाई जब भी नमाज पढ़ते हैं हम आपके लिए बहुत ज्यादा दुआ करते हैं। थैंक यू सो मच अमन, फोटो भी देंगे और क्या बोलते हैं वीडियो भी बना लेंगे तुम्हारे साथ, ठीक हम फेमस सिर्फ आपके साथ चाहिए, क्लिप चाहिए और कुछ नहीं भाई। पक्का पक्का बिल्कुल, हम बिल्कुल आप बहुत आपके लिए हम दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आप उस बिल्कुल, मुकाम में पहुंचिए जो आपका सपना है। बस बस बस, थैंक यू सो मच, पक्का पहुंचेंगे इंशाल्लाह, ठीक आप हमें कैसे बताएंगे कि आप वहां पहुंच गए? है। मैं गंगा बारा जाऊंगा तो स्टोरी लगा दूंगा, आप स्टोरी देख के आ जाना, पक्का भाई, ठीक रुकिए रहेगा भाई प्लीज। ठीक ठीक आप और खुश रहिए, आप खुश रहिए, मेरी आपसे बहुत सारी दुआएं, आप जिंदगी भर खुश रहिए। आप भी खुश रहो, ठीक है। और मेरी बहन से भी बात कर लो, वो सॉरी एक कोई आया बात, वेंचिन व्हाट आर यू डूइंग वेंचिन, मैं आपसे मिल लूंगा इंशाल्लाह, आके मिल लूंगा, मतलब आके कैसे, मैं आप वहां पे आके मिल लेना, ये भाई और बहन है जी, शेख समायरा। हाय समायरा जी, कैसी हैं आप भाई, कभी बहराई चाहिए, बहराइच, ओके, इसकी वॉइस को क्या हुआ, आई हो दादले भूखा तुझा, दे प्रभुते जी को ध्यान देते हो, आरजू लव बोल रहे हैं आप, पॉपुलर अब प्रॉपर दिल्ली के हो या और कहीं के रहने वाले हो? मैं प्रॉपर कानपुर का रहने वाला हूँ, आई एम गोइंग इन हाबे, नो टाइम, सी यू नेक्स्ट लाइफ, बाय बाय। वे छे कपड़े उतर गए भाई, नहा के जैसे आके बैठे थे ना, खाना वाना खा के, तो हम सोचे थे कि बात कर ले, अभी मुझे मेरे सारे कपड़े हम लोग के अलमारी में ऊपर रखे रहते हैं, अभी ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था, तो ऐसे ही लाइव आ गए, तो इसलिए पहनने की कोशिश की अभी हमने शर्ट, वो पूरा एकदम छोटा छोटा शर्ट था, अरे भड़वे कपड़े हैं, अरे भड़वे कपड़े बेच दिए किया, दिलबर दिलबर यार, क्यों गाली दे दी यार, तुम ऐसा नहीं करो यार, इतना अच्छा बच्चे का फोटो लगाया हुआ दिल पर जानी, भड़ुआ बोल दिया मुझे, भड़ुआ नहीं यार पागल, नहीं गाली गाली नहीं, अरे मेरा मैसेज नहीं पढ़ा है तो बता दीजिए, मैं मैसेज ही नहीं करूंगा वेंचेन, ओके, दिल है दिल दिल दिल। गाइस मैं आप लोग एक चीज दिखाऊं, पहले तो ये देखो, शायद ये इसमें होगा कि नहीं होगा पता नहीं, व्हाट्सएप में आई थिंक होता है, हाँ इसमें हो गया स्कीम वहां का, ये गाइस आप लोगों के लिए, ठीक है, किसी से भी व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल पे बात करो, रुक जाओ यार रुक जाओ, शिट, ठीक है, वो चीज थी, नहीं बन रहा यार, ऐसा होता था, हाँ ये आप लोग के लिए आया आया आया, और ये है, और ये इससे भी कुछ होगा, अबे इससे भी कुछ होगा, शिट यार, इससे पानी बरसता था, आ, आ, देखा देखा, यार ये ले लो, ये तुम सबके लिए ये व्हाट्सएप पे आप लोग भी बात करते करते करो, हो जाएगा, दिखाओ देख ले हम भी कितना अमीर आदमी हो, मतलब कैसे देखोगे तुम हम कितने अमीर आदमी, अमीर अमीर नहीं है भाई, आप कभी हैदराबाद आओ, हाँ ताकि तुम वहीं पकड़ के पेलो हमको, आए ये नहीं करने देंगे हम कभी तुम्हें, बहुत अच्छा, हाँ दिखाओ दे रहे हम, दिल मत बनाओ भाई, रुबीना जी यार कसम से भाई, आप कभी बहोदोई भदोई आओ, कब आएंगे आप, कहाँ पे, अरे भाई मुझे जान करो, पता नहीं क्या क्या कर रहा है, मतलब कानपुर का रहने वाले, दिल्ली में इस समय आप रहने रहते हो, शायद आपने पहले बताया था कि आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली आना जाना होता, दिल्ली में रहता थोड़ी ना हूं मैं तो कानपुर में हूँ भी, कैसे करते हैं हम बताइए भैया, ऐसे कैसे
किसी से वीडियो कॉल पे बात करना हो ऐसे करना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये कर देना, हाँ किसी की बात बहुत अच्छी लगी तो वो हैप्पी बर्थडे। और इससे भी कुछ होता है, मैंने ये दिखा नहीं पाया आप लोग को, इससे भी होता है कुछ, या मैं नहीं सही से कर पा रहा हूँ, या ये थम बना देते हैं तो, लेकिन ये इससे पानी वानी बरस जाता है। कैसा लग रहा हूँ मैं यार, कसम से करते हुए, ये देखो पानी बरसा ना। ऐसा ही होता है। उल्लू पट्ठे गधे हैं या क्या इन्हें लोग, क्या भाई बहुत बॉडी दिखा दो, देखो बस, लव यू फ्रॉम अहमदाबाद। ओके, मुझे सारी गलत फहमी हो गई कि आप दिल्ली में, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, सही है। कभी भी आप अपने घर आओगी तो मैं अपने घर आऊंगी तो आपसे जरूर कानपुर में बैठूंगी, मेरी भाभी कानपुर की हैं, नहीं उनकी नई नई शादी हुई। ओके 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 ओके, ठीक है भाई। बैराज कब आओगे? बैराज आऊंगा इंशाल्लाह कल परसों। बहुत मिर्ची लग रही है क्या? मिर्ची लग रही है क्या खालिद भाई ने तेरी तेरी बहन की मार ली? दिल भर जानी, अरे नहीं छोड़ो यार, उसने गाली दे दी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मेरा नाम लो। अबे गाइस अभी तो बहुत सारे एल्बम आने वाले हैं यार, जितना हम शूट करके आए अक्षरा जी के साथ और नीलम गिरी के साथ, अभी तो वो आने वाला है, और भी दो तीन गुड न्यूज आपको मिलेगी धीरे धीरे, अभी तो मुंबई जाने दो हमको। अच्छा आपने कभी जिला हरदोई सुना सुनाया पता है? हाँ हाँ जिला हरदोई पता है भाई, मैं आपका फैन हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जितने लोग मेरे फैन हो यार, जिन लोगों को मैंने सलाम का जवाब नहीं दिया है वालेकुम अस्सलाम, जिन लोगों को भी मैंने सलाम नहीं किया है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, जिन लोगों को भी मैंने नमस्ते नहीं किया है नमस्कार, दिल से नमस्ते आप सभी लोगों को। बहुत सुगले बोलते हैं, शिवानी के साथ वीडियो बनाई है गजब है। वो वीडियो भी मैंने प्राइवेट कर दी है। ऐसे कैसे लोग अच्छे लगते हैं तुमको खालिद? दिलबर जानी, कैसे लोग अच्छे लगते हैं मतलब, मैं समझा नहीं। और तुम पहले अभी जो गाली दे के गए हो यार, तो तुमने गाली क्यों दी पहले ये बताओ? इतनी गंदी गाली दे दी, भड़वा बोल दिया तुमने हमको। एकता पांडे, कपड़े पहनो यार, कपड़े पहनने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा फिर। आई एम फ्रॉम लव भाई, मैं प्रोफाइल का नाम है, ले लो मुझे भी, ले लो मुझे भी, ले लो बोलो मुझे भी फॉलो करके, आपने 10 से थोड़ा मैसेज अकाउंट ग्रो हो जाएगा। अच्छा यही काम करने बैठे हैं हम, गाली बोल रहे हैं। गाली बोलने ऐसे क्या होता है? मैं गांधी घर गंगाधर से हूँ भाई। गंधागिरी क्या लिखा था उसको, कौन सा वीडियो बनाया? आपको कैसे लोग पसंद है खालिद? अब दिल बना के भेज दिया इसने, हमको अच्छे लोग पसंद हैं, आप भी अच्छे हो, मुझे आप भी पसंद हो भाई। अक्षरा सिंह के साथ वाला वीडियो बहुत बार देखी है। हाँ यार वो वीडियो पता नहीं क्यों वायरल हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, उसमें शायद अक्षरा के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं। ठीक है गाइज, बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं एक नए लाइव में, अगर कल आऊंगा तो ठीक है, नहीं आऊंगा तो परसों नरसों कभी भी आऊंगा, मिल जाते हैं। अभी इसको मैं सेव कर दूंगा, और थैंक यू सो मच आप लोगों ने अपना टाइम दिया, और जाओ जाके खाना खाओ।